8 नवंबर 2021 इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ अनाउंस होता है 18,300 करोड़। ये वो पैसा था जो हमारे देश के भोले भाले लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया सिर्फ इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनको कुछ फायदा होगा। पर किसने सोचा था कि इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ लोगों का 70% पैसा बर्बाद कर देगा 2150 रुपए से सीधा 465 रुपए। पेटीएम वो कंपनी जिसकी शुरुआत रिंगटोन्स और एसएमएस जोक्स बनाने से हुई थी आज वो इस छोटे से कार्ड की मदद से आपकी मेरी हम सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन ये सब कुछ आखिर होगा कैसे क्योंकि 15,000 करोड़ ये वो पैसा है जो पेटीएम अब तक लॉस कर चुकी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा जलाने के बावजूद भी आज इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये कैसा बिजनेस प्लान है जो किसी को समझ ही नहीं आ रहा? और सबसे बड़ी बात कि पेटीएम आखिर ऐसा क्या कर रही है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। तो आज इन सारी चीजों को एकदम डिटेल में समझेंगे। जुलाई 1978 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में विजय शेखर शर्मा इस आदमी का जन्म होता है। विजय बचपन से ही इतने होशियार थे कि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी 12th खत्म कर ली थी जिसके बाद वो इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं जहां पर उनको डीटीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। पर एक दिक्कत थी वो ये थी कि उन्होंने बचपन से अपनी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम में करी थी मगर जब वो दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि हर बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है जिस वजह से क्लास में पहली सीट पर बैठने वाले विजय अब आखिरी सीट पर बैठने लगे। पर वो हिम्मत नहीं हारते इसलिए फिर उन्होंने एक हाथ में इंग्लिश की किताब और दूसरे हाथ में हिंदी की किताब रख कर पढ़ाई करना शुरू किया और यही कर करके उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी। पर अपनी जिंदगी के इस पॉइंट से उनको इंग्लिश सीखने का ऐसा चस्का लगता है कि उसके बाद उन्होंने फोर्ब्स मैगजीन से लेकर इंग्लिश न्यूज़पेपर तक हर एक चीज डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पूरा टाइम पढ़ते रहते थे। अब उनकी इंजीनियरिंग का तीसरा साल चल रहा था तो सिर्फ अपने स्किल सेट को चेक करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर indiansite.net ये नाम की एक कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट बना डाली। पर इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आगे चलकर एक अमेरिकन कंपनी इसी वेबसाइट को $1 मिलियन में खरीद लेती है। अब ये होने के बाद विजय के पास ठीक ठाक पैसे आ गए थे जिन पैसों से वो एक फोन डायरेक्टरी खोलते हैं मगर उसके बाद साल 2000 में उनकी मुलाकात सुनील भारती मित्तल के साथ होती है और वहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिलता है कि क्यों ना वो अपनी इस फोन डायरेक्टरी कंपनी के अंदर उनकी कंपनी एयरटेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज लेकर आए। अब ये करने के लिए वो सुनील भारती मित्तल के साथ मिलकर अपनी कंपनी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं और 197 कम्युनिकेशंस इस कंपनी का जन्म होता है। शुरुआती दिनों में इस कंपनी का काम था कि ये एयरटेल के कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल रिंगटोन्स कुछ बढ़िया बढ़िया जोक्स और जो शायरी आती है ना उन सबकी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करे। फिर कई साल बीत जाते हैं बिजनेस भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है लेकिन उसके बाद विजय को मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा इरिटेटिंग चीज दिखाई देती है। साल 2009 के आसपास की बात है विजय को ये दिखता है कि मार्केट के अंदर लोग अपने फोन का रिचार्ज कराने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। अब अगर किसी को रिचार्ज कराना है तो पहले उनको दुकान पे जाना पड़ता है वहां पर लाइन में लगना पड़ता है उसके बाद दुकानदार को पैसे देने पड़ते हैं और तब जाकर थोड़ा टाइम लेकर वो रिचार्ज करके आपको देता है। और ये ना वो टॉक टाइम वाला जमाना था कि आप प्रीपेड रिचार्ज कराओ उसके बाद वो छट से खत्म हो जाए फिर दोबारा से दुकान जाओ दोबारा लाइन में खड़े हो और दोबारा से रिचार्ज करवाओ। जिस चीज को देखकर विजय ये सोचते हैं कि अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं जहां पर कस्टमर खुद बिना कहीं जाए अपने फोन का रिचार्ज कर ले तो कितना सही हो जाएगा। एंड यही वो जगह थी जहां से साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत होती है। पेटीएम का मतलब है पे थ्रू मोबाइल और इस नाम के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि स्टार्टिंग के दिनों में ना जो पेटीएम था आप उसको सिर्फ प्रीपेड रिचार्ज या फिर अपना टाटा स्काई डिश टीवी इन सब चीजों के रिचार्ज के लिए ही इस्तेमाल कर सकते थे। पर जो पुराने वक्त का पेटीएम था उसमें बहुत दिक्कतें थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि आप लॉग इन करो ओटीपी डालो। तो इससे छुटकारा पाने के लिए पेटीएम ने एक प्री लोडेड वॉलेट सिस्टम शुरू किया जिसको आज आप पेटीएम वॉलेट के नाम से जानते हो जिससे बदला ये कि बस आप एक बार ही पेटीएम वॉलेट में पैसे डालो अब उसके बाद कोई ओटीपी डालने की जरूरत नहीं है। आप बार बार जितनी बार चाहो अपने फोन का रिचार्ज पेटीएम वॉलेट से डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन पेटीएम की जो किस्मत है वो बदलती है साल 2014 में जब विजय शेखर शर्मा अलीबाबा के फाउंडर जैक मा से मिलते हैं और विजय का पेटीएम को लेकर जो विजन था जैक मा उससे इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो उनकी कंपनी में 25% शेयर्स 3,000 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं। पर एक मिनट पेटीएम तो कस्टमर से पैसे लेती ही नहीं है तो आखिर ये कंपनी पैसे कमाती कैसे है और जैक मा ने इस कंपनी में ऐसा क्या देखा कि 2014 जब कुछ भी नहीं था उन्होंने तब इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे। सो देखो
किसी भी मूव को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कंपनी पैसे कमाती कैसे है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है वो इन चार डॉट्स पे बना हुआ है, जिसमें पहला है ट्रांजैक्शन फी। जब भी पेटीएम के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो पेटीएम सेलर यानी कि वो इंसान जो कि सामान या सर्विस बेच रहा है उससे एक ट्रांजैक्शन फी चार्ज करती है। जैसे अगर किसी ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो उस पर पेटीएम 1.5% तक ट्रांजैक्शन फी ले लेती है। पर फिर जो दूसरा डॉट है वो है एडवर्टाइजिंग। पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त डेली के 8 से 9 करोड़ यूजर्स है जिनको पेटीएम रेलेवेंट एड्स दिखाकर एडवर्टाइजर से भी एडवर्टाइजिंग फी चार्ज करती है। लेकिन ये जो एड्स होते हैं ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि पेटीएम के पास आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का डेटा है और उसी डेटा का इस्तेमाल करके पेटीएम आपको बेस्ट से बेस्ट ऐड दिखाता है। तो यहाँ पर वो एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसे ले पाते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजर्स को सही कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिसिजन एंड टारगेटिंग। फिर जो तीसरा डॉट बनता है वो है फ्लोट मनी। जिस तरीके से आपने कभी पेटीएम वॉलेट में पैसे रखे होंगे ना, उसी तरीके से लाखों करोड़ों लोग आज अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे रखते हैं और ये जो पैसा होता है ये पेटीएम का फ्लोट मनी होता है। अब इस पैसे को फ्लोट मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेटीएम को भी मालूम है कि एक वक्त पर सारे के सारे लोग अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। तो कैलकुलेशंस के बेसिस पर पेटीएम अपने वॉलेट में पड़े इन पैसों को आगे एज अ शॉर्ट टर्म लोन मार्केट में बांट देता है, जिसके ऊपर पेटीएम अच्छी खासी इंटरेस्ट इनकम कमाता है। अब ये चीज सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन जब 100-200 करोड़ रुपए के ऊपर इंटरेस्ट इनकम आती है तो ये अमाउंट भी बहुत बड़ा बन जाता है। 22% यानी कि करीब 446 करोड़ ये पैसा कमाया था पेटीएम ने अपने फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस से, जिसके अंदर फ्लोट मनी से आया गया इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है। एंड आज अगर आप देखोगे तो पेटीएम छोटे छोटे मर्चेंट्स के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए ब्रोकरेज सर्विसेज, ये सारी चीजें भी देने लगा है। एंड यहां से भी पेटीएम अच्छे खासे पैसे कमाता है। पर फिर जो चौथा डॉट है वो है पेटीएम मॉल। पर पता है पेटीएम मॉल में पेटीएम खुद से प्रोडक्ट्स में डील नहीं करता है बल्कि पेटीएम मॉल का इस्तेमाल किया जाता है जो यूजर्स ऑलरेडी पेटीएम पर है ना उनको प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल और अपसेल करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो साल 2022 में पेटीएम ने 140 करोड़ रुपए कमाए थे पेटीएम मॉल पर प्रोडक्ट्स बेचकर, पर वहीं पर उन्होंने कमीशन से कितना कमाया 126 करोड़। मगर जो एक्चुअल बूस्ट है वो पेटीएम को मिलता है डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि जैसे ही नोट बंद हुए तो पेटीएम वॉलेट के अलावा लोगों के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। अब यहां तक तो सब ठीक जा रहा था मगर फिर अचानक से एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है और उस मुसीबत का नाम था फोन पे। फोन पे आता है और एकदम से मार्केट में लीडर बन जाता है और किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब कुछ आखिर हो कैसे गया। तो देखो दरअसल बात ये थी कि फोन पे ने एक फीचर इनेबल किया जिसका नाम था UPI, जिसकी मदद से कोई भी अपने बैंक से डायरेक्टली पैसे भेज सकता है किसी और के बैंक में। अब जैसे ही UPI आया तो लोगों का वॉलेट के अंदर पैसे रखने का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया और लोगों ने वॉलेट में पैसे रखने ही बंद कर दिए। सबने फोन पे खोला और अपने बैंक से दूसरे के बैंक में UPI करना शुरू किया। मगर इसके बावजूद भी पेटीएम ने काफी वक्त तक अपने सारे यूजर से वॉलेट ट्रांजैक्शंस करवाई, पर धीरे धीरे उन्हें भी ये समझ में आया कि UPI के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए वो भी एक साल के अंदर अंदर UPI लेकर आए। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इस वक्त तक फोन पे ने ऑलरेडी 47% मार्केट शेयर ले लिया था और अब पेटीएम का जो बुरा वक्त था वो शुरू होने वाला था। लेकिन अचानक से कुछ होता है, फिर एक बार पेटीएम को मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है जिस गैप का नाम था बिलिंग क्लटर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हो तो बहुत भीड़ होती है और जब ये भीड़ होती है ना तो पैसे आए कि नहीं ये बात दुकानदार को पता ही नहीं लगती है। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेटीएम अपना साउंड बॉक्स लॉन्च करता है जिससे दुकानदारों को अब पेमेंट के बारे में इंस्टेंट पता लगेगा। पर इस बार पेटीएम ने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने ना सिर्फ जल्दी जल्दी इसको लॉन्च किया बल्कि हर एक दुकान तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया, जिस वजह से ना सिर्फ पेटीएम के पास ज्यादा यूजर्स है बल्कि पेटीएम अपने साउंड बॉक्स के लिए मर्चेंट टू मर्चेंट 50 से 125 रुपए हर महीने भी चार्ज करता है। अब जब ये चीज होती है तो इसको देखकर फोन पे और भारत पे को भी होश आता है और वो भी अपने साउंड बॉक्स निकालते हैं। पर अब तक ना बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जहां पर फोन पे ने 1 लाख साउंड बॉक्सेस इंस्टॉल करवाए, भारत पे ने 3 लाख इंस्टॉल करवाए, वहीं पर पेटीएम का ये नंबर 30 लाख क्रॉस कर चुका था। अब ये सुनकर बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, साउंड बॉक्स ही तो है, इसको लगा के 125 रुपए के अलावा कौन सा फायदा, और ये जो पेटीएम ने इतने सालों में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के खर्च कर दिए आखिर इन पैसे को पेटीएम वापस कैसे कमाएगा।
तो देखो, ये जो साउंड बॉक्स है, इसकी इंटरेस्टिंग बात ये कि ये ना सिर्फ दुकानदारों को पेमेंट के बारे में बताता है, बल्कि वो मर्चेंट्स जो कि पेटीएम के साथ जुड़े हुए और वो यूजर्स जो कि पेटीएम का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, ये इन दोनों को रिटेन करने में भी मदद करता है। अब ये होता कैसे है, इसको समझने के लिए पेटीएम के साउंड बॉक्स की वर्किंग को समझते हैं। सी, पेटीएम के साउंड बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर्स और मर्चेंट्स दोनों के पास पेटीएम का अकाउंट होना जरूरी है। अब जैसे ही आप एज अ कस्टमर किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हो, तो ये जो ट्रांजैक्शन का डेटा है, ये पेटीएम के साउंड बॉक्स से होकर पहुंचता है पेटीएम के मेन सर्वर पर, एंड इस सर्वर में इस डेटा को लिंक किया जाता है उस पर्टिकुलर मर्चेंट की प्रोफाइल से, जिसमें उस मर्चेंट की सारी डिटेल्स होती है, उसका कैश इनफ्लो कितना है, उसका कैश आउटफ्लो कितना है, उसका मंथली इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, यहां तक कि वो एवरेज कितना पैसा कमा रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसका सेविंग रेट कितना है। ये सब कुछ पेटीएम को पता लगता है। अब इससे होता ही है कि ये सारा का सारा डेटा पेटीएम को उस पर्टिकुलर मर्चेंट की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, जिससे कि पेटीएम ये पता लगा पाए कि आखिर ये पर्टिकुलर मर्चेंट कितना क्रेडिट वर्दी है। मतलब कि अगर इस मर्चेंट को शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ जाए, तो आखिर इसको कितना अमाउंट दे सकते हैं और कितने इंटरेस्ट रेट पर देना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ इस साउंड बॉक्स की मदद से अकेले जनवरी 2023 में पेटीएम की जो लोन डिस्बर्सल पावर है वो 327% से बढ़ गई है। इनफैक्ट पेटीएम के जो नंबर ऑफ लोन्स हैं वो 103% बढ़ गए हैं, जिस वजह से आज अगर मर्चेंट लेंडिंग स्पेस में देखा जाए तो पेटीएम अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। पर अब आप सोच रहे होगे कि ये तो मर्चेंट्स के लिए है ना, आखिर पेटीएम आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए क्या कर रही है? तो याद है, एक टाइम पर पेटीएम का जो सबसे पावरफुल वेपन था वो था उनका पेटीएम वॉलेट, जिसकी मदद से ना सिर्फ पेटीएम अपने कस्टमर्स को रिटेन करता था, मगर पेटीएम वॉलेट में जो पड़े हुए पैसे थे उनसे भी पेटीएम अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाता था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता, यूपीआई आया और लोगों ने पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, जिस वजह से ना सिर्फ पेटीएम ने कस्टमर्स खोए बल्कि उनका जो फ्लोट मनी था वो भी बहुत भयंकर तरीके से नीचे आ गया। लेकिन आज पेटीएम कुछ ऐसा कर रही है जो ना सिर्फ उनके वॉलेट बिजनेस को वापस ट्रैक पर ले आएगा, बल्कि जितना पहले था ना उससे कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। और ये सब कुछ पेटीएम कर रही है इसका इस्तेमाल करके। ये एक कार्ड आने वाले सालों में पेटीएम की तकदीर बदल सकता है, एंड देर आर वेरी हाई चांसेस कि पेटीएम इस देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिनटेक कंपनी बन जाए। पर ये होगा कैसे, तो देखो इसको समझने के लिए इस ट्रांजिट कार्ड की वर्किंग को समझते हैं। अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से हो तो आपको ये याद होगा कि पुराने वक्त में ना मेट्रो बहुत ही सस्ती हुआ करती थी, और मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए हमें एक टोकन लेना पड़ता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को मेट्रो की आदत लगी, तो ना सिर्फ मेट्रो ने अपने रेट्स बढ़ा दिए, बल्कि मेट्रो कॉर्पोरेशन एक नया टूल लेकर आया जिसको कहते थे मेट्रो कार्ड। अब ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करें, इसलिए मेट्रो कॉर्पोरेशन ने इस कार्ड के ऊपर जो फेयर आपको लगता है उस पर डिस्काउंट देना शुरू किया, जो कि आपको आज तक मिलता है। और ये जो चीज थी, इससे मेट्रो कार्ड यूज करने वाले जो यूजर्स हैं उनका नंबर एकदम से बढ़ने लगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ लोगों के पैसे बचते थे बल्कि जो टोकन लेने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता था वो टाइम भी बच जाता था। और इसी के चलते एक मेट्रो कार्ड जैसी छोटी सी चीज रातों रात हिट हो जाती है। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है, दिल्ली मुंबई बैंगलोर जैसे जो शहर है, इन सबका जो एनवायरमेंट है उसके डेमोग्राफिक्स बदलने लगते हैं। अब हो ये रहा था कि जो काम करने वाली यंग जनरेशन है उनकी पॉपुलेशन इन शहरों में स्पाइक करती है, जिस वजह से कार्ड रिचार्ज करवाने के काउंटर्स और जो वेंडिंग मशीन्स है उन पर भी बहुत ज्यादा बड़ी लंबी लाइन लगने लग गई। और इसी चीज को देखकर पेटीएम अपना मास्टर प्लान बनाता है। पेटीएम ने कहा कि मेरे पास 9 से 10 करोड़ यूजर्स हैं, और दिल्ली मुंबई बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में तो ऑलमोस्ट हर बंदा पेटीएम यूज करता है, तो क्यों ना मैं मेट्रो ट्रैवल को अपने प्लेटफॉर्म से लिंक कर दूं। जिसके लिए पेटीएम ने सबसे पहले जहां जहां पर मेट्रो है वहां वहां के मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप करना शुरू किया, और हर वो बड़ा मेट्रो स्टेशन जहां पर ज्यादा भीड़ रहती है वहां पे अपने ट्रांजिट कार्ड के काउंटर सेट करवाए, ताकि हर एक बंदा जो कि टिकट खरीदने आए या फिर मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करवाने आए वहां पर वो ट्रांजिट कार्ड के बारे में जान पाए। पर पेटीएम का जो एक्चुअल गेम है ना, वो दरअसल इस कार्ड की वर्किंग में है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ये जो ट्रांजिट कार्ड है ये इंटरलिंक्ड है मेट्रो के डेटाबेस से। सो जैसे ही आप इस कार्ड को मेट्रो स्टेशन पर पंच इन करते हो, तो आपके कार्ड का जो आईडी है वो लिंक हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेशन के डेटाबेस से। फिर जब आप किसी दूसरे स्टेशन पर इस कार्ड को पंच आउट करते हो, तो दोबारा से आपके कार्ड का जो आईडी है वो डेटाबेस से लिंक होता है
करता है और मास्टर डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजता है कि इसका पंच इन स्टेशन कौन सा था, और यहाँ से इस डेटा को मैच करके जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि आपका जो ट्रांजिट कार्ड है ना वो तभी काम करेगा जब आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे होंगे। मतलब कि अगर आपको ट्रांजिट कार्ड यूज करके ट्रैवल करना है तो पेटीएम के वॉलेट के अंदर पैसे रखना जरूरी है। इसीलिए जैसे ये कार्ड लॉन्च होता है तो जिन जिन लोगों ने ये कार्ड लिया था उन सब ने दोबारा से अपने मेट्रो ट्रैवल के लिए अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे रखना शुरू कर दिया, और जो फ्लोट मनी पेटीएम ने खो दिया था अब वो उनके पास वापस आना शुरू हो गया। पर अब आप सोचोगे कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कल को फोन पे और भारत पे भी अपना ऐसा ही कार्ड ले आएंगे, फिर पेटीएम क्या करेगी? तो देखो, फोन पे और भारत पे के लिए ये सेम चीज कर पाना कितना मुश्किल है जरा इसको समझते हैं। ये जो कार्ड है ना ये सिर्फ मेट्रो कार्ड नहीं है बल्कि ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर बनाया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जो कि 15 से ज्यादा शहरों के मेट्रो स्टेशन पर, टोल बूथ्स पर, बस स्टेशन पर, पेट्रोल पंप्स पर, यहाँ तक कि फूड कोर्ट और पार्किंग एरियाज में भी काम करता है। मतलब कि हमारे देश में जहाँ कहीं पर भी पेटीएम है वहां पर ये कार्ड काम करेगा। एंड मेट्रो, पेट्रोल पंप्स, पार्किंग एरियाज, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें रेगुलरली पेमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में ये कार्ड एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस टूल बनकर सामने आता है। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब कुछ तो मैं अपने नॉर्मल कार्ड से भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं इस कार्ड का इस्तेमाल क्यों करूँ? सो इसका सिंपल सा रीजन है एक्सपेंस ट्रैकिंग। जब भी आप ट्रांजिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आप बिना किसी मैनुअल एफर्ट के अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ आपको पेटीएम के ऐप पर शो हो जाएगा, जिससे कि हर किसी को ये पता लगता है कि उसने मेट्रो पर कितने पैसे खर्च किए हैं, पेट्रोल पंप से लेकर पार्किंग, शॉपिंग, फूड, हर जगह पर वो आखिर कितना खर्चा कर रहा है। और ये चीज आपको नॉर्मल कार्ड्स में उतनी इजीली नहीं मिलती है। मगर एक सेकंड, ये तो आपके और मेरे जैसे यूजर्स के फायदे की बात है ना, इसमें आखिर कंपनी को क्या मिलता है, पेटीएम का इसमें क्या फायदा? सो देखो, अगर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको ये दिखेगा कि पेटीएम को यहाँ पर ये तीन सबसे बड़े फायदे होते हैं, और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हो सकता है कि पेटीएम इस देश की सबसे प्रॉफिटेबल फिनटेक कंपनी बन जाए। पहला फायदा, हाई कस्टमर रिटेंशन। आज की डेट में हर कोई यूपीआई पेमेंट्स करता है, जिसके लिए पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे, आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक या फिर ये तीनों एप्स हर किसी के फोन में दिख जाएंगी। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि टोल, मेट्रो, कार पार्किंग, यहां तक कि खाना और शॉपिंग के लिए भी आज हर कोई यूपीआई पेमेंट कर रहा है। पर जो ट्रांजिट कार्ड है उसको इनिशियली हर कोई सिर्फ मेट्रो ट्रैवल के लिए यूज करेगा और बाकी के लिए लोग यूपीआई यूज करेंगे। पर ये सारा का सारा गेम बदलता है जब आप पेटीएम के ऐप को खोल के अपने मेट्रो ट्रैवल कार्ड के जो एक्सपेंसेस है ना उसके बैलेंस को चेक करते हो, क्योंकि वहां पर कस्टमर्स को ये नजर आता है कि इस कार्ड का इस्तेमाल करके मैं ना सिर्फ मेट्रो बल्कि शॉपिंग से लेकर खाने तक अपने हर एक एक्सपेंस को ट्रैक कर सकता हूं, जिससे मुझे एक्चुअली में पता लगेगा कि मैं कहां पर कितने पैसे खर्च कर रहा हूं और कहां मुझे पैसे बचाने चाहिए। एंड दिस इज द गेम, क्योंकि ये जो फीचर है ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेकर आता है कि आप और ज्यादा ध्यान देते हो, और ज्यादा प्रॉपर तरीके से पैसे खर्च करते हो, एंड आपके काफी ज्यादा पैसे बचते हैं। और पैसे कौन नहीं बचाना चाहता, इसलिए ये हैबिट आपको पेटीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए रखती है, क्योंकि पेटीएम ही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली ट्रैक कर पा रहे हो। इसलिए ट्रांजिट कार्ड की मदद से पेटीएम अपने हर एक कस्टमर को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखेगा, चाहे वो फोन पे और गूगल पे भी यूज करे, मगर मेट्रो से लेकर शॉपिंग और खाने तक मैक्सिमम जगहों पर वो पेटीएम के थ्रू ही पेमेंट्स करेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक वक्त के बाद लोगों की एक हैबिट फॉर्मिंग यूटिलिटी बन जाएगी। फर्स्टली बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, एंड सेकेंडली क्योंकि ये आपको पैसे सेव करने में मदद करता है, जिसके कुछ टाइम बाद रिजल्ट ये होगा कि वर्ड ऑफ माउथ कर करके लोग इस कार्ड को प्रमोट करना शुरू करेंगे, एंड धीरे धीरे नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होगा जिसके बाद एवरीवन विल हैव दिस कार्ड। और देखते ही देखते इस छोटी सी चीज का इस्तेमाल करके पेटीएम अपने हर एक कस्टमर को इकोसिस्टम का पार्ट बना लेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि पेटीएम के पास करोड़ों लॉयल कस्टमर्स हो जाएंगे। और जैसे ही ये होता है तो कंपनी को ये दूसरा फायदा होगा, मैसिव फ्लोट रिजर्व्स। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे कोई भी कस्टमर जो कि पेटीएम यूज कर रहा है, या तो वो ट्रांजिट कार्ड की वजह से पेटीएम यूज करेगा, या फिर वो पेटीएम यूज कर रहा है इसलिए वो ट्रांजिट कार्ड को भी यूज करेगा। एंड ट्रांजिट कार्ड यूज करने का सिंपल सा मतलब है पेटीएम वॉलेट में लिक्विड कैश रखना। और इस बार लोग सिर्फ मेट्रो ट्रैवल के लिए नहीं बल्कि शॉपिंग, खाना, कार पार्किंग, टोल, हर एक चीज के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जैसे ये ट्रांजिट कार्ड की वजह से वॉलेट में डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे, फ्लोट रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे, एंड दोबारा से कंपनी को एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि वो इंटरेस्ट इनकम कमा पाए। लेकिन ये जो जबरदस्त कस्टमर रिटेंशन और बहुत सारा फ्लोट रिजर्व है ना, इस चीज से एक और चीज होगी
जो कि पेटीएम को तीसरा सबसे बड़ा फायदा देने वाली है, और वो फायदा है किंग ऑफ पर्सनल लोन प्लेयर। आने वाले कुछ सालों में पेटीएम इस देश के सबसे बड़े बैंक्स में से एक बन सकता है। एंड टू अंडरस्टैंड दिस, एक बार जरा बैंकिंग मार्केट्स को समझते हैं। बैंकिंग सेक्टर में मोटा मोटा ये तीन तरह के लोन्स डिसबर्स किए जाते हैं। इसमें पहला जो होता है वो होता है कमर्शियल लोन, जो कि यूजुअली बिजनेसेस के लिए बना हुआ होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कार, एजुकेशन एंड हाउस लोन, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो है पर्सनल लोन, जो कि यूजुअली लोग अपने पर्सनल नीड्स के लिए लेते हैं। एंड ये जो पर्सनल लोन है, यही वो जगह है जहां पर एक्चुअल गेम छुपा हुआ है। पता है इंडिया में पर्सनल लोन्स का मार्केट कितना बड़ा है? 7.92 लाख करोड़ का। और जो पेटीएम है वो इसका एक अच्छा खासा शेयर उठा सकता है, क्योंकि पेटीएम के पास ना ये दो पावर पॉइंट्स हैं। पहला, हाई कस्टमर रिटेंशन एंड मैसिव फ्लोट रिजर्व्स। अब इससे होगा ये कि पेटीएम के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, लोगों का डेटाबेस है, जिसमें उन्हें ये पता है कि आखिर किसकी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी है। और जितना ज्यादा ये डेटा होगा, उसको प्रोसेस करके पेटीएम का एल्गोरिदम उतना ही ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रिसिशन इन रिस्क मैनेजमेंट फॉर पर्सनल लोन्स। किसको कितना लोन देना है और कितने इंटरेस्ट रेट पर देना है, पेटीएम ये सब कुछ मैनेज कर सकता है, क्योंकि पेटीएम के पास बहुत सारा डेटा है। और इसके बाद जो दूसरा पावर पॉइंट है वो है कस्टमर कन्वीनियंस। आज अगर आपको किसी नॉर्मल बैंक से पर्सनल लोन लेना हो तो कितनी मेहनत का काम है ना। पहले जाओ, लाइन में लगो, अलग अलग फॉर्म साइन करो, फिर काफी टाइम लगता है, उसके बाद जाकर आपका लोन सैंक्शन होता है। लेकिन विद टाइम, जैसे जैसे पेटीएम का एल्गोरिदम और फ्लोट रिजर्व्स ये दोनों एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, तो पेटीएम का जो लोन डिसबर्सल है ना वो भी बहुत ज्यादा रॉकेट कर जाएगा। इनफैक्ट जुलाई 2023 में जो पेटीएम का लोन डिसबर्सल था वो 148% से इंक्रीज हुआ है टू 5,194 करोड़। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे पेटीएम प्रॉफिटेबल होती जाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कार, होम और एजुकेशन लोन के ऊपर जहां पर 8-10% इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, वहीं पर जो पर्सनल लोन्स हैं वो शुरू ही होते हैं 10.55% के इंटरेस्ट रेट से। तो जैसा कि आपने देखा, बस कुछ साल और हो सकता है कि पेटीएम इस देश के सबसे बड़े बैंक्स में से एक बन जाए। एंड ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक छोटे से इनोवेशन से, इस ट्रांजिट कार्ड की बदौलत। लेकिन पता है, इस ट्रांजिट कार्ड से आप पैसे तो सेव कर लोगे, मगर अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अमीर बनने के पीछे की जो साइंस है, अमीर बनने के पीछे की जो जो चीज़ें हैं, वो सारे के सारे सीक्रेट्स, वो सब कुछ आपको लोग बताते ही नहीं हैं। बचपन से लेकर आज तक हमें यही बताया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, उसके बाद आपकी एक अच्छी जॉब लगेगी, और 60 साल की उम्र तक पैसे सेव करने के बाद हो सकता है कि शायद आप अमीर बन जाओ। लेकिन अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपके लिए 10 साल काफ़ी हैं। पर इन 10 सालों में आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आपको ज़्यादातर लोग कभी बताएंगे ही नहीं। अगर जानना चाहते हो ना तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर से देखना।